नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान, आप देख रहे हैं चैनल आई एम क्या। और आज की इस रेसिव में बताने वाला हूँ कि आप देख सकते हैं मेरे सामने है फोन एसीएस का जेनफोन मैक्स प्रो M1, जो कि काफी हद तक अच्छा फोन है। बैक लुक आप देख सकते हैं और काफी हद तक अच्छा डिजाइन आपको इस फोन में मिल जाता है और काफी हद तक बेस्ट इसका आपको स्मूथिंग मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं वॉल्यूम बटन, ये पावर बटन आपको मिल जाता है और साथ साथ आपको यहाँ पर सिम इजेक्टर जो टूल है जहाँ से आप सिम वगैरह डाल सकते हो वो है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्पीकर दिए हुए हैं और माइक्रोफोन भी दिया गया है और चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। सो दोस्तों, अगर हम इसके मेन फीचर्स की बात करेंगे तो आपको इसमें 5.9 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। सब्सक्राइब करिए एमकेव चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और टच स्क्रीन फोन है आप देख सकते हैं और साथ साथ आपको 1080x2160 पिक्सल्स आपको रिजोल्यूशन इस फोन में मिलता है। एस्पेक्ट रेशो आपको 18:9 मिल जाता है। पिक्सल्स आपको इसमें मिलते हैं 404 PPI में। और अगर हम इसके हार्डवेयर की बात करें तो इस फोन में आपको 1.8 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है और स्नैपड्रैगन 636 के साथ। रैम इसमें 3GB रैम है और 32GB इंटरनल स्टोरेज आपको इस फोन में मिल जाती है। अगर हम इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज की बात करें तो आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज आपको इसमें मिल जाती है 2000GB तक, जो कि बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। और अगर हम इसमें स्टोरेज टाइप की बात करें तो आपको माइक्रो SD कार्ड इसमें आप लगा सकते हैं। अगर हम इसके LED फ्लैश के बारे में बात करेंगे तो आपको इसमें दोनों तरफ LED फ्लैश दी गई है जो कि कैमरे के साथ मिलती है। रियर कैमरा आपको 13 MP का मिल जाता है और आपको फ्रंट कैमरा 8 MP का मिल जाता है विद LED फ्लैश के साथ। सो दोस्तों, काफ़ी हद तक अच्छा फ़ोन है, आप इसको परचेज कर सकते हैं और काफ़ी हद तक अच्छा डिज़ाइन है लुक फ़ोन। आप इसका कैमरा देख सकते हैं तो कैमरा आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने क्लिक कर ली फोटो, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इसमें मिल जाएगा। तो उसको हम करते हैं क्लिक। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इमेजेस आई है इसकी, काफ़ी हद तक अच्छी क्वालिटी आपको इसमें मिल जाती है। इसमें जो आपको ब्राइटनेस भी मिलती है वो काफ़ी हद तक अच्छी इसमें मिल जाती है। तो दोस्तों, कैमरा इसका काफ़ी हद तक बढ़िया आपको मिल जाता है। बाकी आपको इसका जो टच स्क्रीन है वो काफ़ी हद तक अच्छा मिलता है, एकदम काफ़ी हद तक अच्छा स्लाइड आपको इसमें ऐप्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और फ़ोन काफ़ी हद तक अच्छा है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि रोज़ ऐसी लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोज़ आपको देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।